Good morning, my dear respected students. And today, that is day three of revision of periodic test one. Hopefully, the previous sessions are fruitful to you and you learn something about those. And today, we are just again begin with a questions where we are supposed to discuss things and then we are supposed to sort it out. Okay. So kindly concentrate, the questions is there on your screen as well. So my dear respective students, I'm just begin with this first question here today. And the question says, kindly concentrate one by one. You all are requested to give the answers for the same. So question says, from the program code given below, identify the parts mentioned below. जरा ध्यान से देखिएगा दिस इज द कोड दिस इज टू बी कंसीडर्ड एज अ कोड एंड आइडेंटिफाई दीज पार्ट्स दोज द पार्ट्स आर फंक्शन हेडर फंक्शन कॉल सो कैन आई जस्ट बिगिन विद वन बाय वन एंड आई एम जस्ट गोइंग टू कॉल योर नेम एंड और यू रैंडमली यू आर सपोज टू पार्टिसिपेट नो इश्यूज विद दैट ओके सो एनीबडी जस्ट टेल मी वेयर इज द फंक्शन हेडर Kindly guide me, where is the function header? Very good. In context of this particular question, where is the function header? Kaun batayega fatafat? Very good. Def process number X. Mere bachche ne bataya hai, def process number X. This is to be considered as a function header. Very good, very good. Thank you. Hiya mujhe sun rahi hai, baaki log bhi sun rahe hai, waise aisi baat to nahi hai. पर वो शायद चलो कई बार होता है कि आइडिया नहीं लगा हमें आंसर का तो इसलिए हम नहीं बता पाए नहीं बात कर सके कोई बात नहीं कोई दिक्कत नहीं है ओके नो प्रॉब्लम काइंडली वेट आई एम जस्ट गोइंग टू कॉपी दैट इंफॉर्मेशन एंड पेस्ट इट हियर एंड मेक श्योर दैट इट लुक्स फाइन ओके एंड ओके ओके नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू माय डियर रिस्पेक्टेड स्टूडेंट सेकेंड वन इज टू बी कंसीडर That where is the function call? मेरे बच्चों हिया ने पहला आंसर दिया है आप में से कोई भी अनम्यूट करके बोल सकता है वेरी गुड ग्रेट इन दिस पर्टिकुलर हाँ खुशी यहाँ पे जो लिखा हुआ है आर ई एस इज इक्वल टू प्रोसेस नंबर वाई दिस इज अ फंक्शन कॉल वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड थैंक यू वेरी मच इनिशिएटिव लेने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका खुशी खेती जी एंड हिया से आज जी वेरी गुड अभी और भी लोग हैं ऐसी बात नहीं है नो इश्यूज विद दैट अभी वो भी आएंगे आप चिंता मत करिए सब लोग आएंगे मेरे शिष्य वेरी गुड चलिए जी अब हम क्या कर रहे हैं नेक्स्ट वी आर जस्ट बिगिन विद नेक्स्ट एंड इम्पोर्टेंट थिंग वेयर व्हाट वी टॉक अबाउट आर्ग्यूमेंट्स कौन से है भाई कौन बताएगा वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड जल्दी से अनम्यूट करके प्रभजोत कहाँ है आज बिजी लग रही है सर आर्गुमेंट्स आएंगे एक्स एंड वाई ये जो हम ये दोनों चीजों को कंसीडर करेंगे प्रभजोत यस सर कौन कौन से बच्चे इनके साथ एग्री हैं जो कह रहे हैं कि एक्स और वाई दोनों को करेंगे नुपुर आपका क्या कहना है इसके बारे में सर ओनली एक्स Only x बोला आपने आर्ग्यूमेंट और फिर अगर जो आगे आ रहा है ऊपर पैरामीटर फिर उसका क्या करूंगा यार पैरामीटर भी आ रहा है मेरे बच्चे फिर वो y आ जाएगा अच्छा पैरामीटर y आ जाएगा आर्ग्यूमेंट x आ जाएगा एक बार दोबारा खुशी थोड़ा सा इलैबोरेट कर इसको थोड़ा सा सर नहीं सर ये उल्टा आ जाएगा हाँ अब पकड़ में आई बात आपके आर्ग्यूमेंट yes, में क्या sir. आर्ग्यूमेंट में क्या आएगा मेरा पुत्र सर वाई और पैरामीटर में वाई और पैरामीटर में मेरे बच्चे क्या आ जाएगा पैरामीटर में आएगा दैट इज टू बी कॉल्ड एज अ एक्स हियर ठीक है थैंक यू वेरी मच गॉड ब्लेस यू ओके अब सबसे आसान जो टास्क है हमारा सबसे इजी टास्क है जय थोड़ा सा गाइड कर दे फंक्शन बॉडी नाउ नेक्स्ट थिंग वी आर टॉकिंग अबाउट दैट इज अ फंक्शन बॉडी क्या है एक बार गाइड कर दे थोड़ा सा सर फंक्शन बॉडी एक्स इज इक्वल 72 रिटर्न एक्स प्लस थ्री मतलब अगर कहने की अगर आपकी बात सरलता से समझने की कोशिश करूं तो लाइन नंबर 1, 2 एंड 3 अगर ये कॉपी कर लूं तो इसका मतलब है दिस इज टू बी कंसीडर एज अ फंक्शन बॉडी मैंने ठीक बोला जय
सर टू एंड थ्री बोला मैंने आपने. अच्छा सिर्फ टू और थ्री बोला है बेटा. खुशी इसमें तीनों होने चाहिए कि हिया इसमें तीनों आने चाहिए कि सिर्फ दो ही आने चाहिए सेकंड एंड थर्ड. Second and third. Very good. Thank you very much. Thank you. God bless you. That is to be called as a function body. अब हमने ये भी final हो गया. अच्छा अब यार ये नहीं समझ आ रहा main section कौन सा है हमारा यहाँ पे. main section का चाहे line number बता दीजिए कोई issue नहीं है. कौन बताएगा? Very good. Very good. विनित भी है. विनित मेरा बच्चा. विनित yes. हाँ मेरा बेटा function body का थोड़ा सा idea दे सकता है इस कंटेंट में. फंक्शन जो हमारा फंक्शन बॉडी तो हो गया सॉरी मेन प्रोग्राम जो है जैसे ये हमारा फंक्शन हो गया मेरा बच्चा ये वाली ना ये हमने फंक्शन डिफाइन किया और बॉडी है उसकी. इसमें से मेन सेक्शन कौन सा है थोड़ी सी गाइडेंस दे दीजिए. गलत बोल दीजिए कोई दिक्कत नहीं है घबराने की जरूरत नहीं है आपको. मेन प्रोग्राम में सारा ही आएगा? नहीं मेन प्रोग्राम में सारा तो नहीं आएगा. ठीक है वेट कर कोई बात नहीं एक मिनट अभी देख लेते हैं. एक मिनट गुरनूर. गुरनूर ने मेरे साथ प्रॉमिस किया था कि हम पार्टिसिपेशन तो करेंगे अब पक्का. वेरी गुड गुरनूर मेरी आवाज अगर आप तक आ रही हो. वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड. नहीं तो फिर हम जाएंगे किसके पास जाऊंगा? जय के पास चलता हूँ फिर दोबारा. जय. यस सर. फंक्शन अगर हमने ये फंक्शन बॉडी तो तूने बता दिया हमको हो गया इट्स ऑल डन. मेन प्रोग्राम कहाँ है भाई इसमें ये वाले कोड के अंदर? मेन प्रोग्राम वेयर इज मेन? सर मेन प्रोग्राम इन फर्स्ट लाइन. नहीं नहीं. अच्छा खुशी बता मेन प्रोग्राम कहाँ पे है? 5-6 लाइन. अरे वाह मैंने हिंट भी दिया मैंने सेलेक्ट भी किया 5-6 को पर बता नहीं पाए कि मेन सेक्शन कौन सा है. मेन सेक्शन मेरे बेटा जहां से प्रोग्राम को कॉल किया जा रहा है जहां से इंस्ट्रक्शंस जा रही हैं दैट इज टू बी कंसीडर एज अ मेन सेक्शन. दिस इज टू बी कंसीडर एज अ मेन सेक्शन. तो मेरे बच्चों को अब मेरे को लगता है कि शायद जरूर समझ आया होगा कि मेन सेक्शन कहाँ पे है या और डिफरेंट पार्ट्स जो हैं वो कहाँ पे हैं और कैसे डिस्कस हो सकते हैं. ठीक है वेरी गुड. अब ग्रेट देखिए जरा एक बार ध्यान से सबकी कंसंट्रेशन की जरूरत है थोड़ा सा कंसंट्रेशन करने की जरूरत है क्वेश्चन नंबर टू पे. वेरी गुड. कंसीडर द फॉलोइंग नेस्टेड लिस्ट. यार नेस्टेड के बारे में कोई इलैबोरेशन दे सकता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नेस्टेड लिस्ट? संजना विरदी जी आए हैं अभी. संजना जी विरदी साहब व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय अ नेस्टेड लिस्ट? वेरी गुड. किया तू इलेबोरेट कर दे मेरा बेटा. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय अ नेस्टेड लिस्ट? अ नेस्टेड लिस्ट कंटेन्स अ लिस्ट इनसाइड अ लिस्ट. ओके मींस अ लिस्ट इनसाइड अ लिस्ट इज टू बी कंसीडर एज अ नेस्टेड लिस्ट. दैट इज टू बी कंसीडर अ नेस्टेड लिस्ट. ये देखिए ना अब यहाँ पे इस एग्जांपल में भी क्या हो रहा है यहाँ पे भी लिस्ट के बीच में लिस्ट नजर आ रही है तो दैट्स व्हाई इट इज टू बी कॉल्ड एज अ नेस्टेड लिस्ट. ओके And then answer the question based on this. सबसे पहले मैंने क्या किया जरा ध्यान से देखना इधर. अब मैंने क्या किया मैं एक सेकेंड मैं शेल को ओपन कर लूं. मैं कहता हूं इसको करने की बजाय ना शेल कर लें तो वो ज्यादा ठीक रहेगा हमारे लिए. मैंने शेल को किया और इस तक इस जगह शिफ्ट कर दिया. अब मैंने क्या किया आई एम जस्ट गोइंग टू कॉपी दैट इंफॉर्मेशन कॉपी और कवल जी सर ने शेल ओपन कर लिया यहाँ पेस्ट कर दिया और एंटर हिट कर दिया. अच्छा ठीक है अब मैंने एंटर हिट कर दिया हुआ है. अब मैं आपको थोड़ा सा क्वेश्चन पूछने की तैयारी कर रहा हूं देखिएगा जरा ध्यान से. व्हाट इज द एक्सप्रेशन दैट रिटर्न जेड इन बी ए जेड? कौन सा क्या लिखेंगे आप लोग जिससे आपको जेड रिटर्न हो जाए? जेड मैं अब थोड़ा सा यहां पर क्लू देने की कोशिश कर रहा हूं देखिएगा जरा एक बार प्लीज इधर ध्यान देना. अगर मैंने एक्स सबस्क्रिप्ट में जीरो लिखा एक बार अच्छा नुपुर ने कर भी लिया हैंड रेज. अरे वाह क्या बात है नुपुर वेट कर ले एक मिनट सिर्फ. एक्स जीरो लिखा मैंने कौन अनम्यूट करके बोलेगा कि क्या आएगा यहाँ पे अगर जीरो इंडेक्स वैल्यू जीरो की बात कर रहा हूं. वेरी गुड सिर्फ एक आपने गेस करना है मैं वैसे अदरवाइज इसको एंटर हिट करूंगा और आएगा आउटपुट यहाँ पे आप एक हाँ मुझे कोई बात नहीं आप बता दीजिए कोई दिक्कत नहीं है अनम्यूट करके बता दीजिए जो लोग हैंड रेस कर रहे हैं कोई दिक्कत नहीं.
10 आएगा, वेरी गुड नुपुर, मैंने ये एंट्री किया, तेरी बात सही है। ओके okay, अब मैंने यहाँ पे किया पहले, मैं बेटा ये क्यों कर रहा हूँ, why I am doing this, because I want that you all are supposed to understand this concept that what is the meaning of nested list and how it works. ये एक बार हमें विचार करना बहुत जरूरी है, it's very important. Okay, अब बेटा मैंने x1 लिख दिया, अब ना तो नुपुर नहीं बोलेगी अब, ओके okay, अब मैं संजना से एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, संजना अनम्यूट करके बोलोगे बेटा x1 के अंदर क्या आएगा, प्लीज थोड़ा सा गाइड कर दीजिए। सर x1 के अंदर 3.141 और इसकी, अच्छा मैंने ये लीजिए मैंने एंटर हिट किया, जरा ध्यान से देख लीजिए आप जो एक्सपेक्ट कर रहे थे, ये कहता है दिस इज अ इंडेक्स लोकेशन जीरो, दिस 10 इज अ इंडेक्स लोकेशन जीरो, एंड हियर इट इज व्हेन वी टॉक अबाउट दिस एंटायर थिंग, जो लिस्ट के अंदर एक और लिस्ट मेंशन है, देन इट इज टू बी कॉल्ड एज अ वन हियर। मेरे बेटा ध्यान से मेरी बात को सुनने की कोशिश करना। अच्छा अब मैं क्या करूंगा, व्हाट आई एम गोइंग टू डू हियर, काइंडली कंसंट्रेट। अब मैंने सिर्फ डिस्प्ले करना है 3.141, कोई मुझे गाइड कर दे मैं क्या लिखूं यहां पे, वेरी गुड, जीरो, आप सिर्फ जीरो लिख दूं क्या, एक्स जीरो कर दूं क्या? नो सर, 010। आप मुझे 010 बोल रहे हैं, ऐसे लिखूं ऊपर के कुछ और है, सर जीरो और जीरो, सर 010 ही आएगा। अच्छा मेरा मेरी बेटी मुझसे बोल रही है कि सबसे पहले यहाँ जीरो लिख दो, ऐसी बोल रहे हो ना, यहाँ वन लिख दो, yes, फिर यहाँ पे मेरी बेटी ने बोला जीरो लिख दो, ऐसी बोला है ना बच्चे? यस सर, आपने ऐसी बोला है, मैंने एंटर हिट किया, ये देख लीजिए क्या आ गया सर, मैंने कुछ गलती तो नहीं की यहाँ पे, मैंने कुछ गलती नहीं की। अब जरा ध्यान से सुनना नुपुर मेरा पुत्र, ये देख मैंने नुपुर नहीं सॉरी सब लोग, ये मैंने जीरो पे किया था तो 10 आ गया था, अब मैंने यहाँ पे आया था 1 पे तो मैंने मेंशन किया ये, अब इसका मतलब है मुझे समझ आ गया कि x के 1 इंडेक्स पे मेरी वैल्यू आ रही है, पर वो सारी की सारी आ रही है। अब क्या मैं यहाँ पे जीरो हिट करूंगा तो मुझे पहली वैल्यू पकड़ में आ जाएगी, आएगी कि नहीं आएगी? यस सर, वेरी गुड। अब अगली बात, अब मुझे सिर्फ 30 डिस्प्ले करना है, अब बताओ कैसे करूं, वेरी गुड, कौन बताएगा, प्रभजोत की पार्टिसिपेशन कम है, हिया की कम है, मैं चाहता हूं कि ये लोग बोले, वेरी गुड। अब मैंने ये एक्स तो लिख लिया, आप यहां से कंसीडर करना शुरू करा करें, वहां से मत देखें आप कि कहां से आउटपुट आई है, आप इसमें से कंसीडर करें। अब मैं सिर्फ 30 डिस्प्ले करवाना चाहता हूं, अभी मैं यहां पे एग्जैक्ट जो क्वेश्चन है उस तक नहीं आया हूं, मैं सिर्फ ये 30 डिस्प्ले करवाना चाहता हूं, कौन गाइड करेगा, सबसे पहले क्या लिखूं, एक्स तो लिख लिया मैंने सर, हाँ हाँ तू बता, क्यों नहीं बताएगी मेरी बेटी सर, एक्स वन वन लिख लिया, वन के बाद क्या लिखूं, थ्री, मेरी बेटी ने जो मेरी बेटी ने बोला मैंने वो लिखा है, मैंने अपनी तरफ से कुछ नहीं लिखा यहाँ पे, टू लिख रहे अब ये टू तूने कैसे पकड़ा वो भी बता दे एक बार प्लीज, टू कैसे पकड़ा, हाँ ये वन इंडेक्स पे आ गया, इसका मतलब यहाँ पे जीरो आ गया है ना, ये जीरो आ गया, ये वन आ गया, और ये टू अज्यूम कर रहे हैं आप, मैं एंटर हिट कर रहा हूँ, देखिएगा पूरी को टू अज्यूम कर रहे हैं सर, नहीं 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 मैंने पूरी की तो बात ही नहीं की, मैंने अपनी बेटी को बोला कि मुझे 30 चाहिए सिर्फ, 30 नहीं सर, मैंने वो कंप्लीट नहीं किया, आपने एंटर दबा दिया, मैं क्षमा चाहता हूँ सर आपसे, आप काहे इतना गुस्सा हो रहे हैं, हम अब बताइए ना क्या आएगा, इसके बाद जीरो भी आएगा, अरे वाह, अच्छा अब ठीक है, अब देखो सब लोगों को आइडिया हो गया कि हम इसको कैसे पकड़ रहे हैं, नेस्टेड लिस्ट को कैसे पकड़ रहे हैं, ठीक है। अब एक और इम्पोर्टेंट चीज आ गई, अब मुझे गाइड करो कि जो एग्जैक्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द एक्सप्रेशन दैट रिटर्न्स द जेड इन बी ए जेड, अब क्या आएगा, अब कौन बताएगा, अब खुशी नहीं बताएगी, ना ही नुपुर बताएगी, प्रभजोत, यस सर, हाँ मेरा बेटा, अब तू मुझे ये वाला क्वेश्चन जो ये देख, जहां मेरा पॉइंटर है, ये जेड कैसे मैं डिस्प्ले करूं, अब थोड़ा सा गाइडेंस दे मेरा बेटा, कैसे करूं, मुझे समझ नहीं आ रहा, एक्स लिख लिया मैंने, कोई हैंड रेस कर रहा नहीं, अब हाँ बोल बोल बोल, घबराना नहीं है, सबसे पहले देख प्रभजोत ध्यान से सुन मेरी बात, ये जीरो है, समझ रही, सुन रहा है मेरा बेटा मेरी बात को, ये जीरो है, ये क्या आ गया, वन, ये वन सारा पकड़ लिया, ऐसे किया था ना हमने, ये देख यहाँ पे टाइप किया है वन,
और ये सारे का सारा यहाँ पे आ गया। इसका मतलब सबसे पहले मैंने यहां तक पकड़ा कि मैं वन के पास जा रहा हूँ, कहता ठीक है ओके, वन के पास आया, इसका मतलब अब ये सारा कुछ आ गया यहाँ पे, ये सारी चीजें आ गई। ठीक है, अब ये देख मैंने यहाँ पे लिखा जीरो वन। अब हम एक बार चेक करें यहाँ पे लिखे, यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे मेंशन करता हूं, देख हम वन बाय वन करेंगे, वन पे गया, अब टू पे गया, एंटर हिट किया, ये हमारा आ गया। अब मैंने क्या किया एक्स वन एक्स टू, और अब मैंने क्या किया जीरो एंड वन। अब जरा ध्यान से सुनना मेरी बात, अब मैंने किया वन, अब ये देख हम कहां तक पहुंच गए और कैसे पहुंचे, पहले वन पे गए, ये देखिए यहाँ पे ये हम यहाँ पे वन के पास आ गए, कहता ठीक है वन के पास, फिर कहां चले गए टू के पास, जीरो वन एंड टू, टू टू के अंदर जाके अब हमने टू के अंदर क्या किया, टू के अंदर ये जीरो लोकेशन है, जीरो ये है वन। अब मैंने वन के अंदर जो ये बी ए जेड है यहाँ पे सिर्फ जेड प्रिंट करना है, वो गाइड करो भाई अब कैसे करना है। वेरी गुड, कौन करेगा? अब मैंने पहुंचा दिया आप लोगों को यहां तक, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, कौन करेगा? कोई भी आ जाओ नो प्रॉब्लम, वेरी गुड, ऐसे घबराने की जरूरत सेम सर सेम एक्सप्रेशन के आगे टू आ जाएगा। अच्छा मैंने हिया ने मेरी बेटी ने बताया कि ये टू कर दिया सर, आप यहां तक तो पहुंच गए डन है, अब यहाँ पे ना आप ये टू करो। हिया एक बार थोड़ा सा गाइड कर दे प्लीज, टू क्यों बोला तूने, जीरो वन टू कंसीडर करो उसको। यस सर, बी ए जेड में बी जीरो ए वन जेड। वेरी गुड एक्सीलेंट एक्सीलेंट, मेरी बेटी ने जैसे ही यहाँ पे मुझे गाइड किया मैंने यहाँ पे जेड किया और जैसे हमने एंटर हिट किया जेड आ गया, वेरी गुड। अच्छा अब एक और मतलब ये क्वेश्चन तो चल रहा है क्योंकि अब इलेबोरेशन की जरूरत है कि मेरे बच्चों को मेरी बात समझ भी आए। अब मैं अपने एक बच्चे से पूछ रहा हूँ जय कौर से, जय मुझे ना अब जेड नहीं चाहिए, अब मुझे ए चाहिए, ए गाइड कर क्या है, सिर्फ कॉपी पेस्ट करना है अब हम लोगों ने। वेरी गुड सर, सेम आएगा बस टू की जगह वन आ जाएगा। अरे वाह सर, बिल्कुल सेम आएगा और टू की जगह क्या आ जाएगा वन, और मेरी बेटी ने कहा एंटर कर दो और मैंने एंटर किया तो मुझे आंसर आ गया। अच्छा अब ठीक है ओके डन। अब ये देखो अब वॉट एक्सप्रेशन रिटर्न, अब मेरे को बहुत जल्दी आंसर मिलना चाहिए, वॉट एक्सप्रेशन रिटर्न द लिस्ट बी ए जेड 2.718। अब क्या टाइप करूं, क्या लिखूं यहां पे जिससे मुझे ये चीज नजर आ जाए। अब मैंने ये देखो ये मैंने एक्स कर दिया कि ये सारा आ रहा है, जल्दी कौन करेगा पार्टिसिपेट अब। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, ये चैट बॉक्स में मुझे मैसेज आया है कोई, मैं नहीं गल करनी गुरनूर तेरे नाल, ना तू समझ गया है सारा कुछ, तेरा आंसर बिल्कुल परफेक्ट है, पर अनम्यूट कर अपने आप को, अनम्यूट करके बोल। Yes, हाँ जगा दिए ना सोए हुए भी, चलो बोल आप बोल क्या लिखूं यहाँ पे सर एक्स वन। हाँ एक्स वन लिख लिया, आगे बोल टू, टू भी लिख लिया, आगे बोल सर वन कॉलन। वन कॉलन का मतलब समझा क्या है मेरा बच्चा? सर वन इंडेक्सिंग से लास्ट इंडेक्सिंग तक सारे, वन से लेके लास्ट इंडेक्सिंग तक सारे आ जाएंगे। मैंने एंटर हिट किया, कंग्रेचुलेशन गुरनून, आप में वो बात है जो होनी चाहिए, बट अनम्यूट करना है अपने आप को और बात करनी है। बाकी बच्चे भी, बच्चों को समझ आ गया कि सर ने बार 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 कहने के बाद जगा लिया। अच्छा यहाँ पे अब मेरा क्वेश्चन है, अगर मैं ये कर देता हूँ, देखना जरा एक मिनट सारे, मैंने कि अब गुरनूर ने मुझे गाइड किया वो आंसर करेक्ट आ गया। अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अब मैं अगर ये लिखता हूँ यहाँ पे एक्स वन टू वन कॉलन थ्री, What will be the output? Very good. Sir, same output आएगा. अरे वाह सर, same output आएगा. Thank you very much Nupur. God bless you. Very good. Thank you very much Gurunoor यार. मेरे कहने के बाद बड़ी मुश्किलों से आपकी आवाज सुनने को मिली हमें, और इसका बहुत खुशी है कि आवाज सुनने को मिल तो गई। तो मैंने यहाँ पे लिखा this is answer and this says yes I am this. मेरा ये आंसर है ओके डन। अब यहाँ पे क्या किया, व्हाट वी आर गोइंग टू डू हियर, वी जस्ट मेंशन इट लाइक दिस, यस इट्स ग्रेट। और अब इसके बाद यहाँ पे फिर दोबारा लिखा आंसर, और इसका आंसर क्या था जरा कॉपी पेस्ट कर लूँ यहाँ से। अब इसका आंसर था, एक तो हमने ये लिखा था और एक मेरे बच्चों ने मुझे बोला था ये वाला, और एक हमने किया था ये वाला। दिस इज द करेक्ट आंसर फॉर
दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. वेरी गुड, ग्रेट. मेरे बच्चों को मेरी बात समझ आ गई, इसके लिए हार्दिक तौर पे आप सब लोगों का धन्यवाद. वेरी गुड, नेक्स्ट क्वेश्चन आओ जी. अब जरा जागो, जरा आ जाओ मेरे बच्चों. वेरी गुड, नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए और कृपया करके ध्यान को एकाग्रचित करिए. वेरी गुड. वैसे एक बार अगर बात करूं आप लोगों से, अदरवाइज अगर डिस्कस करूं, विनीत अनम्यूट करना. यस सर. जापरा साहब, ये नेस्टेड लिस्ट वाला समझ आया थोड़ा सा माइंड में, आई चीज कैसे पकड़ते हैं उसको? हाँ जी सर. वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू. ठीक है संजना जी, समझ आ रहा है बेटा? यस सर. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच. चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में पार्टिसिपेशन देखता हूँ कितनी होती है. अ टेक्स्ट फाइल डैश हैज द फॉलोइंग डाटा रिटर्न इट. ये डाटा है, ये वाला डाटा अवेलेबल है. सबसे पहले क्या कहता है, व्हाट दे आर टॉकिंग अबाउट, राइट अ यूजर डिफाइंड फंक्शन टू डिस्प्ले द टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स प्रेजेंट इन द फाइल. अब देख लो जरा मेरी बात ध्यान से सुन लो. सिंपल सी बात है, ये फाइल का नाम है, ठीक है. आपने फाइल को ओपन करना है और टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स जो हैं वो फाइंड आउट करने हैं आपने. कौन इनिशिएटिव लेगा? इनिशिएटिव, जो बच्चा इनिशिएटिव लेगा और जो चाहता है कि सर हम बताते हैं, इसमें क्या दिक्कत हो गई. वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड. अपने आप क्या करो, थोड़ा सा इनिशिएटिव लिया करो, अपने आप अनम्यूट करके बोला करो, सर हम कर रहे हैं, हम करेंगे सर, नो नो प्रॉब्लम विद दैट. वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड. ये तो मैंने तो नाम ले ही लेना है, फिर आपको बोलना ही पड़ेगा. कौन करेगा सबसे इजी काम? विनीत एक बार अनम्यूट करेगा यार अपने आप को. यस सर. विनीत थोड़ा सा आइडिया दे कि कैसे होगा तेरे को. मेरे को लगता है थोड़ा सा आइडिया होगा जरूर 100% कि फाइल से रीडिंग कैसे करते हैं. टेक्स्ट फाइल है ये वाली, थोड़ा सा गाइड कर दे. सबसे पहले जैसे हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, चल मैं तेरे साथ काम करता हूँ, सब लोग मिलके काम करते हैं, ठीक है. वेरी गुड. उसके बाद क्या करेंगे, फाइल को क्या करना है विनीत, ओपन करना है कि क्लोज करना है? ओपन. मैंने लिख दिया ओपन. अच्छा अब फाइल का नाम मेरे केस में मैंने ले लिया ripple1.txt, ठीक है. अब किस मोड में ओपन करेगा रीड करने के लिए? रीड में करेगा, राइट में करेगा, अपेंड में करेगा, किस में करेगा बेटा? रीड में. मैंने यहाँ पे लिखा आर, रीड. ओके हो गया. अच्छा अब तू अनम्यूट रखेगा अपने आप को, तूने नहीं म्यूट करना. उसके बाद जय, जय नेक्स्ट बता. मैंने फाइल तो ओपन कर ली रीड मोड में, आगे क्या करूं पुत्र? सर प्रिंट करवानी है फाइल. नहीं मैंने थोड़ी प्रिंट करवानी है, मैंने तो वर्ड डिस्प्ले करनी है. किसने कहा तुझे मैंने प्रिंट करवानी है? अब अगर मैं डाटा रीड करना चाहता हूं तो मैंने यहाँ एक वेरिएबल का नाम ले लिया डाटा और obj1.read, रीड लिख लिया फंक्शन, जिसका मतलब क्या है कि मैं डाटा को क्या करना चाहता हूँ, रीड करना चाहता हूँ, है ना. वेरी गुड, वेरी गुड. उसके बाद खुशी आए अगली बार. खुशी अब ये जब डाटा रीड कर रहा हूँ बेटा, ये तो सारा करेक्टर बाय करेक्टर कर रहा है, मुझे दिक्कत आ रही है कि करेक्टर में तो नहीं काउंट कर पाऊंगा वर्ड, तो क्या करूं पुत्र? सर नया एक data1 = data.split. data1 = data.split. स्प्लिट फंक्शन कर लिया. अच्छा ठीक है, इससे हुआ क्या, थोड़ा सा गाइड तो कर दे. सर वो करेक्टर बाय करेक्टर का लिस्ट में कन्वर्ट हो जाएगा. हाँ लिस्ट ऑफ वर्ड्स आ गए, है ना, लिस्ट ऑफ वर्ड आ गए. ठीक है, ठीक है, थैंक यू वेरी मच खुशी. ओके अब वर्ड आ गए, अब मुझे प्रभजोत गाइड करे. प्रभजोत अब ये हमारे लिस्ट ऑफ वर्ड्स तो बन गए. सर फॉर आई इन डाटा वन. मैंने प्रभजोत लिखा फॉर आई इन डाटा वन, ठीक है पुत्र. इसका क्या मतलब हुआ कि एक एक करके वर्ड रीड करेगा? सर लूप क्रिएट हो जाएगा. ठीक है, और एक एक करके वर्ड को रीड करना शुरू करेगा, ऐसा ही है ना? यस सर. अब मुझे डिस्प्ले नहीं करवाने प्रभजोत, मुझे सिर्फ काउंट करनी है, तो क्या करूं यार, समझ नहीं आ रहा. काउंट इज इक्वल्स टू काउंट प्लस वन. मैंने यहाँ पे लिखा काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस वन, ठीक है. इसका मतलब एक एक करके काउंट करेगा. अब लूप से बाहर आ जाऊं और यहाँ पे आके लिख दूं प्रिंट नंबर ऑफ, जापरा साहब देखते जाइएगा, नंबर ऑफ वर्ड्स इज इक्वल टू, मैंने लिखा काउंट, ठीक है. अब ये प्रभजोत ठीक है सारा प्रोग्राम, एक बार देख ले, चेक कर ले. सर काउंट इज इक्वल्स टू 0 भी ऊपर आएगा क्योंकि हमने काउंट को डिफाइन नहीं किया. ठीक है, काउंट को हमने डिफाइन नहीं किया, मैंने काउंट इज इक्वल टू 0 कर दिया. अब ठीक लग रहा है तुझे?
यस सर। अब मेरा बच्चा मैंने यहाँ पे आके मैंने लिखा प्रैक्टिकल सेशन और 15 है ना 16 कर देते हैं 16 मैंने यहाँ 16 हिट कर दिया। जापना साहब प्लीज ध्यान से देखिएगा कि आउटपुट क्या आ रहा है। आउटपुट सेज दैट द नंबर ऑफ वर्ड्स इज 149। इसका मतलब है कि अब ये क्या कर रहा है, ये सारे के सारे वर्ड्स को जो है वो रीड कर रहा है मेरे बच्चे को। जापरा साहब थोड़ा सा आइडिया मिला आपको? हाँ जी सर। वेरी गुड जापरा जी, थैंक यू वेरी मच। अच्छा हिया इसको प्रोग्राम को थोड़ा सा कम करवा, मतलब इसकी लेंथ थोड़ी सी रिड्यूस करवा, कैसे कर सकती है बता। हिया हिया से यार यस और नो में बोल दीजिएगा, नो प्रॉब्लम। अगर नहीं आपको समझ आ रहा कि इसकी लेंथ कैसे रिड्यूस होगी तो मुझे बता दीजिएगा कि सर नहीं मुश्किल है थोड़ा सा। अच्छा सोच रहे हैं, नो नो इश्यूज विद दैट, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। ओके जिन लोगों ने सोच लिया हो, जैकॉर ने, खुशी खेती जी ने, नुपुर महावर जी ने, एक लाइन रिड्यूस करवा दो, चलो ज्यादा मत करवाओ, एक लाइन रिड्यूस करवा दो। हाँ कौन बोलेगा? सर अगर हम डाटा इक्वल्स टू ओपन रेपर 1.txtr डॉट रीड कर दे तो यहाँ पे करूँ, यहाँ पे क्या करूँ, यहाँ पे मेरा पुत्र डॉट रीड और शुरू में डाटा और मैंने यहाँ डॉट रीड कर दिया और यहाँ पे क्या कर दिया, इधर ओबीजेवन हटा दूं बेटा। हाँ जी ये हटा दिया। अब यहाँ क्या कर दूं, डाटा डाटा, ठीक है। इसका मतलब ये क्या हुआ, सीधा रीड होके डाटा में चला गया है ना। हाँ जी और कुछ हो सकता है, ये अब ये हटाना पड़ेगा मुझे लगता है ना खुशी। हाँ जी मैंने ये कमेंट में डाल दिया, ठीक है मैंने ये कमेंट में डाल दिया, अब चला के देख लूं एक बार खुशी। मेरी बेटी कहती है अब चलेगा। अरे वाह वाह मजा आ गया। अब एक और लाइन रिड्यूस करवा दो यार, करवा दो ना, ऐसे मत करो, कोई करवा दो प्लीज। ये वाली लाइन भी रिड्यूस पर मैं पिटाई करूंगा अगर वहां पे आंसर शीट पे ऐसे इतने रिड्यूस करने की कोशिश की तो वहां पे फिर लगेगा यार दो नंबर का क्वेश्चन है, सर ने एक लाइन में दो नंबर दे दिए। ये सिर्फ ट्रिक बता रहा हूं मैं आपको कि कैसे हो सकता है। वेरी गुड हिया, मेरी बेटी सोच रही थी और मेरे ख्याल से मेरी बेटी ने यही सोचा था तो इसने बता ही दिया खुशी ने। नुपुर थोड़ा सा गाइड कर, एक और लाइन कम हो सकती है भाई। सर शायद वो डाटा वाली लाइन में ओपन और रीड की फुल ब्रैकेट लग के डॉट स्प्लिट लग जाएगा। मैं अगर यहाँ पे लगा के देख लूं, वैसे एक लगा के देख ले क्या दिक्कत है, एक बार ट्राई करने में क्या हर्ज है यार, देख लेते हैं अगर हुआ तो ठीक है अगर नहीं हुआ तो। पर यहाँ पे मुझे लगता है फिर डाटा वन की जगह डाटा करना पड़ेगा मुझे लग रहा है ना। यस सर। हाँ अब मैंने यहाँ पे F5 प्रेस किया। अरे वाह, इसका मतलब क्या है कि ये जो अब हम दो फंक्शंस यूज कर रहे थे, देखो अब प्रोग्रामिंग की जो मतलब फ्लेक्सिबिलिटी क्या है पाइथन की, कितनी फ्लेक्सिबल लैंग्वेज है कि ये देखो जो अब आप यहाँ पे लिख रहे थे डाटा इज इक्वल टू दिस एंड दैट फाइल, उसके बाद नेक्स्ट में रीड, फिर उसमें स्प्लिट। अब मैंने क्या किया, यहाँ लिखा डॉट रीड डॉट स्प्लिट, दोनों चीजें लिख दी और लिखने के बाद अब मैंने लूप चला के यहाँ पे काम किया तो उसके बाद यहाँ पे क्या आ गया, दैट एग्जैक्ट आउटपुट विल कम। विनय जापरा जी कुछ समझ आया मेरे बच्चे को, मेरे प्यारे बेटे को? हाँ जी सर। विनय बहुत आसान है पाइथन, बहुत आसान है, सिर्फ थोड़ा सा मेरा बेटा प्रैक्टिस की जरूरत है और कम्युनिकेशन की जरूरत है, इंटरेक्शन की, कवल जी सर के साथ इंटरेक्ट किया करें और काम आपका इजी हो जाएगा। गुरनूर जी ठीक है, इजी लग रहा है? मान साहब वेरी गुड, चलिए मान साहब का जब तक हमें मैसेज आता है तब तक हम देखते हैं इसको, वेरी गुड। अब नेक्स्ट देखिएगा जरा, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट काइंडली कंसंट्रेट, ये तो बड़ा इजी हो गया। ओके अब नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। अच्छा यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि चल एक बार कॉपी पेस्ट कर देते हैं इसको, फिर पढ़ लेता हूँ वो वाला रीड बात भी करता हूँ। चल मैंने यहाँ पे कॉपी कर दिया। हाँ मेरा पुत्र सर यहाँ पे फॉर आई इन डाटा में स्पेसेस पे तो रीड हो रही होंगी, एक बार काउंट कर लेना, ऐसे क्यों मतलब स्पेसेस भी तो काउंट हो रही होगी, एक बार चेक कर लेना जब प्रोग्राम करेगी। ठीक है सर। ठीक है अगर दिक्कत आएगी तो फिर मुझे बता देना, मैं 24 घंटे हाजिर हूँ। ठीक है बत्तर, अब मैंने यहाँ पे इसको फॉर्मेट कर दिया। अब ये वाला क्वेश्चन चेक करो ना थोड़ा सा एक बार, सेकंड वाला, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन फ्लशेस द फाइल्स इम्प्लिसिटली। मेरे को लगता है इम्प्लिसिटली का मतलब होता है डायरेक्ट वे, मतलब डायरेक्ट, और एक्सप्लिसिट का मतलब मुझे लगता होता है इनडायरेक्ट,
इनडायरेक्ट वे से। तो इनमें से कौन सा है, ये देखिए, एक फ्लश है, क्लोज है, ओपन है, एफ फ्लश। एफ फ्लश तो मुझे लग नहीं रहा कि कोई है ऐसे, कोई इसकी सेंस नहीं समझ आ रही मुझे, पर चलिए फिर भी देखिए ना आप। डायरेक्ट वे की बात कर रहा हूं मैं, इम्प्लिसिट दैट इज अ डायरेक्ट वे, एक्सप्लिसिट मींस इनडायरेक्ट वे। सो व्हाट विल बी द करेक्ट ऑप्शन, कौन बताएगा? गैस लगाना है हमने, गैस नहीं मतलब कि वी आर जस्ट गोइंग टू आइडेंटिफाई दिस प्रॉब्लम एंड गिव द सॉल्यूशन। यस प्लीज, वेरी गुड, गाइड कर दीजिए कौन आएगा, अनम्यूट करके अपने आप को। और ये भूल के आया करें कि तो मैं तो गलत बोल दूंगी, ओ हो तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी यार, कि वो बोलेंगे लो गलत बोल दिया इसने। वेरी गुड जैक, और सर ऑप्शन ए। जय, अगर यहाँ पे ना देख, मुझे पहले ही पता था कि यहाँ पे फंक्शन लिखा हुआ है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन फ्लशेस द फाइल्स इम्प्लिसिटली, तो बच्चों को यही लगेगा कि यार फ्लशेस की बात कर रहा है तो फ्लश ही आएगा। बट आपको याद है हमने आपको ये बताया था कि टू डिफरेंट फंक्शंस आर देयर, वन इज अ क्लोज एंड सेकंड इज अ फ्लश। सो क्लोज क्या करता है, जब हम क्लोज फंक्शन यूज करते हैं तो वो डायरेक्टली जो है आपकी जो प्राइमरी मेमोरी बोलते हैं उसमें से, या कैश बोलते हैं उसमें से निकाल के सेकेंडरी मेमोरी आपके हार्ड डिस्क में आपके प्रोग्राम की जो डाटा है उसको शिफ्ट करता है। बट मैंने बोला था कि अगर आप क्लोज नहीं लगा रहे, इफ यू आर नॉट यूजिंग अ क्लोज, इन दैट केस एक्सप्लिसिटली मतलब इनडायरेक्ट वे दैट यू मे यूज अ फंक्शन विच इज टू बी कॉल्ड एज अ फ्लश। अगर आप क्लोज नहीं लगा रहे तब आपको फ्लश लगाने की जरूरत है, अदरवाइज लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो अगर मैंने इतनी बात मेरी बोलने के बाद समझ आई हो तो विनीत मुझे आंसर दे कि अब विनीत फ्लश आएगा या क्लोज आएगा? सर क्लोज। अरे वाह, और अगर यहाँ पे विनीत लिखा होता फ्लशेस द फाइल्स एक्सप्लिसिटली, फिर तू क्या आंसर देता बेटा? फ्लश, क्योंकि इनडायरेक्टली होता है। अरे वाह, क्या बात है, मजा आ गया। सब लोग एग्री हैं, कोई ऐसा तो नहीं है कोई डिसएग्री हो? अगर डिसएग्री है तो प्लीज हैंड रेज कर दीजिए या अनम्यूट कर लीजिए, नो इश्यूज विद दैट। वेरी गुड, वेरी गुड। ओके, थर्ड पॉइंट सेज अ डैश फंक्शन रीड्स फर्स्ट 15 कैरेक्टर्स ऑफ फाइल। अब ये बाकियों को तो पता ही है, बाकियों को तो पता है, अगर मुझे विनीत आंसर दे दे इसका तो मेरी खुशी की सीमा नहीं रहेगी। रीड ब्रैकेट विनीत दे रहा है ना मेरा, ठीक है विनीत उत्तर बोल। मैंने ये लिख दिया आंसर, ये कहता है कि फंक्शन रीड्स 15 कैरेक्टर्स ऑफ फाइल, तो क्या लिखूं यहाँ पे, थोड़ा सा गाइड कर। रीड ब्रैकेट में 15। अरे वाह, मजा आ गया, आज मेरे को सबसे मेरा बढ़िया दिन है आज का। और अगर वैसे अगर करूं, वैसे विनीत बिल्कुल ठीक है यहाँ पे, इतना तो अगर लिख देगा तो इट्स ऑल परफेक्ट। बट अगर थोड़ी सी इलेबोरेशन की जरूरत पड़ गई कहीं पे तो हम ये भी लिख सकते हैं, ओबीजे वन डॉट आता है, सॉरी मेरे ख्याल से ओबीजे वन डॉट रीड फंक्शन। अदरवाइज आप ये जो लिख रहे हैं, जो मेरे बेटे ने बोला है कि रीड 15, दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट, ये बिल्कुल ठीक है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच विनीत जी, आज एक्चुअल में मैंने पढ़ाया है आपको। ओके नेक्स्ट, नेक्स्ट फिर दोबारा विनीत ही आएगा। विनीत, बाकी लोग चाहे सोच लें कि कोई बात नहीं आज सर विनीत के पीछे पड़ गए, पर कोई बात नहीं। विनीत जरा एक बार रीड, मैं रीड कर रहा हूँ, चेक करिएगा। यू कैन क्रिएट अ फाइल यूजिंग डैश फंक्शन इन पाइथन। आप क्रिएट कर सकते हैं जो फाइल, किस फंक्शन के हेल्प से आप फंक्शन जो जो फाइल है वो क्रिएट कर सकते हैं। यू कैन क्रिएट अ फाइल यूजिंग डैश फंक्शन इन पाइथन। अब ये देख लो, जब मैंने यहाँ फाइल क्रिएट की, मैंने फाइल क्रिएट की तो कैसे क्रिएट की, ये देखिए मैंने फाइल को रीड किया या मैंने फाइल को राइट किया, तो किस फंक्शन के थ्रू कर रहा हूं, मैंने हिंट भी दे दिया आप लोगों को। अगर विनीत नहीं बता पाएगा कोई बात नहीं, कोई और बता दे, कोई दिक्कत नहीं है। वेरी गुड संजना, हाँ विनीत, विनीत बोल बोल बोल। डाटा? नहीं यार, डाटा नहीं ना, फंक्शन की बात हो रही है पुत्र। ये देख ध्यान से देखा कर, ये डाटा तो एक हम ऑब्जेक्ट कंसिडर कर रहे हैं, ये जहां पे ना ये ब्रैकेट्स आती हैं दो, ये ब्रैकेट्स आती हैं, इनको फंक्शन बोलते हैं हम लोग बेटा। इन तीनों में से बताओ, ओपन आएगा, रीड आएगा कि स्प्लिट आएगा? ओपन। अरे वाह, मजा आ गया। यस, द एग्जैक्ट आंसर विल बी कंसीडर एज अ ओपन। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू वेरी मच, वेरी गुड। ओके, अब किसी और से पूछूंगा। वेरी गुड, थैंक यू विनीत फॉर योर काइंड पार्टिसिपेशन। अब किसी और से, अ डैश फंक्शन रिक्वायर्स अ सीक्वेंस ऑफ लाइंस कॉमा
कॉमा लिस्ट कॉमा टपल एक्सेट्रा टू राइट डाटा इनटू अ फाइल, इसका आंसर कौन देगा भाई? किससे पूछूं? कौन सा फंक्शन आएगा यहां पे? कौन सा फंक्शन रिक्वायर्स अ सीक्वेंस ऑफ लिस्ट लाइंस लिस्ट टपल्स टू राइट डाटा? यहां पे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जब हम बात कर रहे हैं, दैट इज यूज फॉर राइटिंग अ डाटा। राइटिंग अ डाटा में मेरे ख्याल से हम राइट करते थे, एक राइट लाइन करते थे, एक राइट लाइंस करते थे, कुछ ऐसे था मेरे ख्याल से। वेरी गुड, कौन बोलेगा? सर राइट लाइंस। अरे वाह, आज तो भाई जो स्टार थे वो तो स्टार है ही हैं, पर जो मेरे जैसे थोड़े से कम चमकने वाले स्टार थे आज वो स्टार बन गए सारे। राइट लाइंस, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, क्या बात है। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू वेरी मच। ओके, अब मेरे बच्चों जरा ध्यान से देखो, इधर मेरी बात सुनो जरा। ये हमारा टास्क जो था ये कंप्लीट हो गया। नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर जस्ट गोइंग टू परफॉर्म दीज टू क्वेश्चंस व्हिच इज टू बी कंसीडर एज अ लेंथी वन। ये हमारे लेंथी क्वेश्चंस है, ठीक है? हम ये बिल्कुल अज्यूम नहीं कर रहे कि अभी दो मिनट रह गए या तीन मिनट रह गए, वी आर जस्ट बिगिन विद कॉन्टेंट। और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं फिफ्थ वाले से स्टार्ट कर लूँ, इन स्पाइट ऑफ वी जस्ट बिगिन विद अ बाइनरी, we just begin with a CSV। जितना भी समय है, दो मिनट हो चार मिनट हो, जितना है हम वेस्ट नहीं करेंगे, we are not going to waste that time। Okay, अब मेरे को थोड़ा सा गाइड करिए। यहाँ पे consider the CSV file, नाम है student14.csv। ये काम करना है, वो कहता है कि write a python function to display student and read the content from this particular file and display the records of students where marks is 40 or above। मतलब कि 40 या ग्रेटर देन 40 हो जाए। तो सबसे पहले शुरुआती दौर करते हैं। अपने आप अनम्यूट करके बोलिए। सबसे पहले मैं संजना को बोलूंगा, संजना एक फंक्शन बनाना है मैंने इनपुट करने के लिए, क्योंकि मेरे पास देख यहाँ पे इनपुट तो करवाना ही पड़ेगा ना, वहां सिर्फ डिस्प्ले है पर मुझे इनपुट करवाना पड़ेगा। क्या नाम रखूं फंक्शन का, इनपुट वाले का? बोल जल्दी। ओके हिया, क्या नाम रखे इनपुट वाले का? वेरी गुड वेरी गुड, जल्दी बोल दे जरा। DISPSTD ब्रैकेट। नहीं वो तो डिस्प्ले के लिए है ना, तो हम ऐसे करते हैं DISP नहीं लेते, हम लिख लेते हैं इनपुट लिख लेते हैं, चल है ना, इनपुट फंक्शन का नाम लिख लेते हैं। अब मुझे जल्दी से फाइल ओपन करवा दो जरा एक बार। फाइल ओपन कौन करवाएगा? खुशी करवा दे फाइल ओपन CSV वाली। खुशी फाइल ओपन करवा दो। यस सर। हाँ जी ओपन। हाँ ठीक है, फाइल का नाम क्या था? student14.csv। आज तो कोई गुम है, कोई घर पे आया हुआ है मुझे लग रहा है ना, student14.csv। अच्छा अब मैंने रीड राइट मोड में करना है तो क्या लिखूं यहाँ पे सर? डब्ल्यू डब्ल्यू लिख लिया, ठीक है। डब्ल्यू लिखने के बाद इसको बंद कर लिया।